नाजरीन कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी के जरिए इंसान अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है और उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और कुर्बानी करना उन लोगों पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया है, उन लोगों पे कुर्बानी करना वाजिब है। और जिनके पास कुर्बानी करने की इस्तेआत ना हो, उन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। नाजरीन, पूरी दुनिया यूसुफ पठान को जानती और पहचानती है, और यूसुफ पठान हर साल कुर्बानी करते हैं और बहुत महंगा जानवर खरीद कर कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि यूसुफ पठान ने करोड़ों का बकरा खरीदा। तो क्या है इस बकरे की हकीकत, पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है, अल्लाह किन की कुर्बानियों को रद्द फरमा देता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आइए सबसे पहले कुर्बानी से मुतालिक कुछ बातें जान लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरईद के दिन इब्ने आदम का कोई अमल परवरदिगार के नजदीक खून बहाने से, यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं। दूसरी जगह फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर हो जाओ, क्योंकि खून का पहला कतरा जमीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। लिहाजा हर मुसलमान कुर्बानी जरूर करें। नाजरीन, यूसुफ पठान चाहे जितना महंगा जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ले, चाहे कोई भी दौलतमंद इंसान जितना महंगा जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ले, लेकिन अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल फरमाता है जो खुलूस दिल से सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी करे। दुनिया वालों को दिखाने की नीयत से ना हो कि दुनिया मुझे मालदार कहे, तो दुनिया में उसे मालदार कहलवा दिया जाता है और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई बदला नहीं मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी मालो दौलत होता तो मैं भी अल्लाह की रजा की खातिर महंगा से महंगा जानवर खरीद कर कुर्बानी करता। लेकिन आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पैसे को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अंदर के खुलूस को देखता है, हमारे अच्छे आमाल देखता है। अगर कोई सस्ता जानवर खरीद कर भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में इतनी नेकियां लिख देता है जितनी नेकियां एक ऊंट की कुर्बानी पेश करने पर लिखा जाता है। लिहाजा अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना बन पड़े अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करें, अल्लाह आपकी कुर्बानी को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।